दोस्तों, देखिए कॉलेज से हो चुकी है छुट्टी और अभी जो है भाई आया नहीं है, अभी भाई आ जाएगा बाहर, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग। दोस्तों देखिए, हम लोग अब कॉलेज से निकल के रोड पे आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, देख लीजिए अच्छे तरीके से। ये देखिए रोड जो है सामने दिखाई दे रहा है, ये गोरखपुर के लिए नेशनल हाईवे जाता है, लखनऊ टू गोरखपुर। हम कॉलेज से चल के आ चुके हैं, देखिए नेशनल हाईवे के पास में, और यहाँ जो है एक मार्केट का शोरूम है। दोस्तों एक बार हम आप लोगों को दिखा रहे हैं रियर कैमरे से, पूरे नदी का व्यू देख लीजिए अच्छे तरीके से। एक बार अच्छे तरीके से देखिए पानी कितना तेज बह रहा है नदी में। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, यूपी पैतालीस राणा ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पहली बार है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों इस समय हम जो है घर से निकल के 70 किलोमीटर दूरी पर हैं, जो कि टांडा NTPC के पास में, और हम लोगों को चलना है बस्ती, और यहाँ पे नदी के बीचों बीच हम लोग खड़े हैं इस समय। और इधर देखिए हमारी गाड़ी है अपाची, वहाँ पे खड़ी है, और सुद्धू और हम दोनों लोग चल रहे हैं बस्ती। और बस्ती नाम क्या है हम लोगों को बता रहे हैं, बस्ती चलना, सुद्धू का पेपर है तो उनको पेपर दिलवाने चलना है हमको, और 10 बजे से पेपर है। इस समय टाइम हो रहा है 6:30 बज रहा है अभी, यहाँ से हम लोगों को 1 घंटा लगेगा, वहाँ पे जाने में 1 घंटा भी हम लोगों को लगेगा। और तो अब यहाँ पे थे तो सोचे हम लोग थोड़ा आप लोगों को भी दिखा दें ब्लॉग में। इधर देखिए सुद्धू खड़ा है और हम जो है ब्लॉग बना रहे हैं। अब यहाँ से निकलेंगे बस्ती के लिए, अब सीधा आपसे मिलते हैं बस्ती में। दोस्तों अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सीधा बस्ती के लिए, और देखिए पुल से जो है अब धीरे धीरे नीचे की साइड में चल रहे हैं हम लोग। अच्छे तरीके से देख लीजिए ऊपर से देखा, नदी का भी देखिए, नदी पूरा बाढ़ से भरी हुई है, इस समय बाढ़ बहुत ज़्यादा है, आज जो है बहुत लोगों का फ्यूचर है। दोस्तों देखिए इस समय हम जो है आ चुके हैं बस्ती ज़िले में, और ये जो पीछे दिखाई दे रहे हैं ये मार्केट है, और ये नगरपुर बस्ती नाम से है। अभी हम लोग यहाँ पे जो दुकान देख रहे हैं यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे पेपर देने के लिए बस्ती ज़िले में, जहाँ पे हमारा पेपर है। दोस्तों देखिए हमारा आ चुका है छोला, और हम लोग इसको खाएंगे, उसके बाद फिर चाय वगैरह पिया जाएगा, फिर यहाँ से निकला जाएगा सेंटर के लिए, जहाँ पे जाना ही जाम देने जा। दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं सेंटर पे, जहाँ पे सुद्धू को पेपर देना है, ओमनी PG कॉलेज है, और पीछे देखिए गेट बना हुआ है, वहाँ पे रोल नंबर चार्ट लगा हुआ है, सुद्धू का जो है रूम नंबर 5 में है, और सभी लोग अपना वहाँ पे रूम ढूंढ रहे हैं, किस नंबर किस कमरे नंबर किस रूम नंबर में हमारा है, किस रूम नंबर में हमारा है, सभी लोग वहाँ पर देखिए ढूँढ रहे हैं। और इधर देख लीजिए यहाँ का कॉलेज का जो है पार्किंग है, यहाँ पे सभी लोगों की गाड़ी पार्क करने के लिए पार्क बनाया गया है, और हम जो है पार्क में गाड़ी नहीं लगाए हैं, हम जो यहीं पर लगने की गाड़ी यहाँ पे गाड़ी लगाए हैं छरकवाली के पास में, जो है देखिए सुद्धू यहाँ पे बैठा है गाड़ी पे, और समय बहुत ज़्यादा है इसीलिए हम लोग गेट के बाहर ही हैं, और अभी सुद्धू जाएगा अंदर पेपर देने के लिए, हम चलेंगे मार्केट की तरफ, उसके बाद फिर कॉलेज की छुट्टी होगी, आएंगे इसको रिसीव करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे घर के लिए।
दोस्तों हम कॉलेज से चल के आ चुके हैं, देखिए नेशनल हाईवे के पास में, और यहाँ जो है एक मारुति सुजुकी का शोरूम है। अभी हम चलेंगे शोरूम के अंदर, थोड़ा गाड़ी का प्राइस का पता करेंगे, अर्टिगा और ब्लेनो और ब्रेजा का, हो सकता कभी भविष्य में लेना ही पड़े, प्राइस पता रहेगा तो सही रहेगा ना, उस हिसाब से बजट वगैरह बनाएंगे हम लोग। दोस्तों यहाँ पे गाड़ी वगैरह हम पता करके चल रहे हैं एजेंसी से बाहर, और अब जो है सुबू की छुट्टी होने वाली है, लगभग लगभग 11:30 बज गया है और 12 बजे उनकी छुट्टी होगी। प्राइस वगैरह बताइए हैं आर्टिगा की जो है BXI वेरियंट जो है 12,65,000 है, और ZXI CNG जो है वो 13,70,000 है गाड़ी का। अब यहाँ से चलेंगे कॉलेज में, वहाँ से फिर छुट्टी होगी, हम और सुब्बू दोनों लोग निकलेंगे, कुछ खाया पिया जाएगा, उसके बाद फिर घर के लिए निकलेंगे वहाँ से। दोस्तों देखिए कॉलेज से हो चुकी है छुट्टी, और अभी जो है भाई आया नहीं है, अभी भाई आ जाएगा बाहर, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग, चलेंगे कहीं बैठ के, पहले खाना वगैरह खाएँगे, उसके बाद फिर निकलेंगे घर के लिए यहाँ से। भूख तो काफ़ी तेज़ लगी हुई है, बट अभी कॉलेज से छुट्टी हुई है, आ जाएगा सुबह, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग। दोस्तों देखिए हम लोग अब कॉलेज से निकल के रोड पे आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, देख लीजिए अच्छे तरीके से, बहुत लंबा सा जाम लगा हुआ है। अभी यहाँ से हम लोग बाईपास से होकर चलेंगे मार्केट में। ये देखिए रोड जो है सामने दिखाई दे रहा है, ये गोरखपुर के लिए नेशनल हाईवे जाता है, लखनऊ टू गोरखपुर, और हम लोग अभी इसी रास्ते से जो है लेफ्ट होके बगल से निकलेंगे पुल के नीचे से, राइट होके अपने घर के लिए, और चलेंगे मार्केट में, वहाँ पे बैठ के खाए पियेंगे पहले, उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे। तो देखिए पेपर हम देखे फिर सुबह वाले पुल पे आ चुके हैं, और यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से कितना भीड़ लगी हुई है, यहाँ पे सभी लोग रुके हैं, और जो कि फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं अपना, और हम यहाँ पे देखिए ब्लॉग बना रहे हैं, थोड़ा फोटो वगैरह खींचेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से घर के लिए निकलेंगे। यहाँ पे पीछे जो हमारी अपाची है, बगल में भाई खड़ा है। दोस्तों एक बार हम आप लोगों को दिखा रहे हैं रियर कैमरे से पूरे नदी का व्यू, देख लीजिए अच्छे तरीके से चारों तरफ का रोड के। एक बार अच्छे तरीके से देखिए पानी कितना तेज बह रहा है नदी में। दोस्तों हम देखिए आ चुके हैं अपने मार्केट में, और यहाँ जो है सुब्बू की गाड़ी है उसका ग्रैब हैंडल थोड़ा सा टूट गया है, उसी को खुलवा रहे हैं, खुलवाने के बाद इसको वेल्डिंग करवाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं सही चलता है कि नहीं।
tank. I'm stuck in limbo.